हेलो गाइस, आजकल मोबाइल फोन सभी के पास होते हैं, राइट? आपके पास भी होंगे और आप उस मोबाइल फोन के थ्रू फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम इस मोबाइल फोन के थ्रू 10 मिनट के अंदर फायर्स में अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे, राइट? वो भी लाइव, हर एक स्टेप में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपकी आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि आप ऑनलाइन ईसाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो ये पहले कॉन्फर्म कीजिए कि आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक्ड है कि नहीं। अगर है तो अभी आप ऑनलाइन प्रोसेस को कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, वो है आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी। आपका जो पैन कार्ड है उनकी एक क्लियर फोटो ले लीजिए अपने मोबाइल फोन से और एक फोल्डर में रख लीजिए, मोबाइल की एक फोल्डर में, राइट? ये हो गया पहला डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है ऑप्शनल, वो है फाइनेंशियल प्रूफ। आप अगर इक्विटी एंड करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करेंगे, एफएनओ ट्रेडिंग करना चाहते हो, तब आपको इस फाइनेंशियल प्रूफ अपलोड करने होंगे। फाइनेंशियल यानी इनकम प्रूफ के लिए आप आईटीआर स्लिप अपलोड कर सकते हो, सैलरी स्लिप या फिर लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है योर लेटेस्ट फोटो। आपकी एक फोटो जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं उनकी भी फोटोकॉपी मोबाइल से ले सकते हो, या फिर आपका जो भी पिक्चर है उनका साइज कम करके आप अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है गाइस, आपकी सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर में साइन कर दीजिए और उनकी भी फोटोकॉपी अपना मोबाइल से ले लीजिए और उनको अपलोड करने से चलेगा। तो इतनी सी डॉक्यूमेंट्स है गाइस, आप एक फोल्डर में कलेक्ट करके रख लीजिए। ऑलरेडी मेरे इस मोबाइल फोन पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रख चुका हूं और अभी हम प्रोसेस करेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, राइट? तो आइए पहला जो स्टेप है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, राइट, जो जहां पे मैं अभी बता रहा हूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज कर दीजिए, राइट? वीडियो को पॉज करने के बाद वीडियो की डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए, राइट? यहां पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा और सबसे पहले फायर्स की अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको मिल जाएगा, राइट? और भैया यू कैन सी, तो जस्ट आपको यहां पे करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे देन फायर्स की अकाउंट ओपनिंग होम पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट? तो आप यहां पे देख सकते हो फायर्स की अकाउंट ओपनिंग होम पेज पर हम आ चुके हैं। सो यहां पे साइन अप करने के लिए सबसे पहले एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एंटर करना है। नोट करें, यहां पे वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है जो आप पहले फायर्स में अकाउंट ओपन करने के लिए इस्तेमाल ना किए गए हो, यानी फ्रेश ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहां पे इनपुट करें, राइट? एंड देन साइन अप बटन पे क्लिक करें। तो आइए मैं यहां पे मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूं। तो आप देख सकते हो गाइस, मैं यहां पे एक फ्रेश मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल चुका हूं। अब करते हैं साइन अप बटन पे क्लिक। इस पेज में आपको इंटर द ओटीपी, ओटीपी ऑलरेडी मुझे मिल चुका है जो मोबाइल नंबर मैंने डाला। 6 डिजिट ओटीपी डालने के बाद ऑटोमेटिकली यहां पे वेरीफाई हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस डिजी लॉकर पेज में आप देख सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। इस पेज की सबसे नीचे एक प्रोसीड नाउ बटन आपको दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आईटेंडिटी डिटेल्स, यहाँ पे आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। एंड अभी पहला जो डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड फोटो, अपना पैन कार्ड की फोटो अपलोड करना होगा और अपलोड करने के लिए टैप टू अपलोड फोटो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देन जिस फोल्डर में आपने पैन कार्ड का फोटो रखे हैं उस फोल्डर से यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ गेटिंग डेटा फ्रॉम पैन। और यहाँ पे अगर आपको इस तरह की पॉपअप मिले लुक्स लाइक योर पैन इज नॉट सीडेड विथ आधार, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे देन हाउ डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू फेच फ्रॉम KRA, ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप फेच फ्रॉम KRA बटन पे क्लिक करेंगे देन आपका जो पैन डिटेल्स है ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच्ड हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको यहाँ पे अपना माता जी का नेम आपको डालना है, प्लीज एंटर बिलो डिटेल्स टू कंटिन्यू। तो देखिए मैंने यहाँ पे माता जी का नाम डाल चुका हूँ। एंड देन मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल या मैरिड, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे देन आप बैंक एंड सेगमेंट डिटेल्स पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज पर आपको जो बैंक अकाउंट आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पे अपडेट करवाना है। तो आइए सबसे पहले बैंक की आईएफएससी कोड डालिए। देखिए मैंने यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल रहा हूं, देन अकाउंट नंबर, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक नेम, ब्रांच एंड ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, साथ में एमआईसीआर कोड भी आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सारे डिटेल्स डाल चुका हूँ। और नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, बैंक अकाउंट टाइप सेविंग या करेंट वो भी आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन इस बॉक्स को भी टिक कर दीजिए, कन्फर्म कीजिए, आई हियर बाई कन्फर्म दैट प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। इस बॉक्स को टिक करने के बाद आपको चूज करना है कौन कौन सी सेगमेंट आप एनेबल करना चाहते हैं। चूज योर ट्रेडिंग सेगमेंट टू बी एक्टिवेटेड। देखिए यहाँ पे कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव सारे सेगमेंट है, आप सारे को टिक कर सकते हो, और किसी सेगमेंट को अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो अनटिक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सारे सेगमेंट सिलेक्ट कर चुका हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ सारे सेगमेंट एक्टिवेट रहे। उसके बाद आपको एक फाइनेंशियल प्रूफ अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रूफ। फाइनेंशियल प्रूफ के लिए आप लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लेटेस्ट होल्डिंग स्टेटमेंट्स, लेटेस्ट आईटीआर कॉपी एंड लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पे लेटेस्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहूँगा, पीडीएफ फाइल। ओके देखिए पीडीएफ इमेज, अपलोड पीडीएफ इमेज, राइट। तो आइए मैं यहाँ पे फोल्डर से सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इस पेज का सारे काम कर चुका हूँ, अब करना है कंटिन्यू बटन पे क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ए बिट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि योर ऑक्यूपेशन, योर एनुअल इनकम कितना है। देखिए ऑक्यूपेशन ड्रॉप डाउन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, प्रोफेशनल। इसकी मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ बेसिकली, वो बिजनेस करते तो मैंने यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट किया। ऑक्यूपेशन में देन एनुअल इनकम, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपने हिसाब से एक स्लैब आपको चूज करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 to 5 lakh एनुअल इनकम स्लैब मैंने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आते हैं कमोडिटी कैटेगरी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आधार सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आधार सिलेक्टेड है। देन आई एम ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इनको आप अनटिक रख दीजिए। एंड देन 5th नंबर पे जो ऑप्शन है, हाउ डू यू यूज टू रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, आप कॉन्ट्रैक्ट नोट डिजिटली चाहते हैं या फिजिकली, आप डिजिटली ईमेल के थ्रू प्राप्त करना चाहते हैं ये सिलेक्ट करके रखिए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। देन आपको 6th नंबर पे आई कन्फर्म आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ इक्विटी एनेक्सर, इस बॉक्स को कन्फर्म करना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। नीचे आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर जरूरत है, अगर आप चाहते हैं तो अपलोड कीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है। ओके तो सिंपल गाइस इनको मैं स्किप करूंगा, और नीचे जो कंटिन्यू बटन है उस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे देन नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आई विश टू नॉमिनेट एंड आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट। अगर आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तो सिंपल गाइस पहला ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, देन नॉमिनी डिटेल्स की पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नॉमिनी का नाम, जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी एड्रेस, सारे चीजें आपको यहाँ पे फिल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते अभी, आप कभी भी नॉमिनी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये अभी फिलहाल अकाउंट ओपनिंग के वक्त मैंडेटरी नहीं है। दैट्स व्हाई आई डू नॉट विश टू नॉमिनेट बटन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मैं बाद में नॉमिनी ऐड करना चाहूँगा, अभी नहीं। देन आप इस पेज पर सिग्नेचर पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन, जिनको आप IPVV कह सकते हो, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उनके लिए गाइस सबसे पहले जो OTP 2613, आपके स्क्रीन पर कुछ अलग OTP हो सकता है, तो आप उस OTP को बड़ा लेटर में एक व्हाइट पेपर में लिख लीजिए, एंड देन आपको यहाँ पे टैप टू क्लिक लाइव सेल्फी डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए व्हाइट पेपर में इस तरह लिख लेना है। ओके ये देखिए IPVV दिखा रहे हैं, सैंपल इमेज। तो आइए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने OTP को यहाँ पे इस तरह लिख लिया था, और ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट को मैं यहाँ पे कैमरा के सामने बैठा दिया, और उसके बाद कैप्चर बटन पे क्लिक करना है। आपका फेस क्लियर आना चाहिए, आपकी आंखों पर लाइट होना चाहिए, एंड यहाँ पे कैप्चर बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे कैप्चर बटन पे क्लिक कर दिया, OTP को व्हाइट पेपर में लिख लिया था, और ये अच्छे से पिक्चर आ चुका है।
अगर नहीं आते हैं तो आप रीडू कर सकते हो। ये जो IPV लाइव सेल्फी वेरिफिकेशन स्टेप था ये कंप्लीट हो गया है। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेप है योर लेटेस्ट फोटो, यहाँ पे आपकी जो लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। आप अपने मोबाइल कैमरा से फोटो ले लीजिए और उनको अपलोड करना पड़ेगा। ओके तो ये देखिए ब्राउज में जाके इस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ क्लाइंट का जिसका अकाउंट ओपन हो रहा है। इस तरह आप रिसाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रॉप एंड अपलोड बटन पे क्लिक करके लेटेस्ट फोटो अपलोड कर दिया। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट से अपलोड करना पड़ेगा योर सिग्नेचर इमेज, राइट। एक व्हाइट पेपर में साइन करके उनकी भी फोटोकॉपी ले लीजिए मोबाइल से और उनको अपलोड कर दीजिए। ये देखिए मैंने सिग्नेचर की फोटोकॉपी यहाँ पे मैं अपलोड कर दिया, राइट। 100% कंप्लीटेड। अब करना है कंटिन्यू बटन पे क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे रिव्यू योर डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स हमने फिल आउट की सारे डिटेल्स इस पेज पर दिखेगा और सिंपल आपको वेरीफाई कर लेना है। पहला जो स्टेप था आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन, देखिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आपका पैन कार्ड डिटेल्स सारी चीजें यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो सारी चीजें दिखाएगा। देन बैंकिंग एंड सेगमेंट, जो बैंक अकाउंट आप ऐड किए थे वो डिटेल्स भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं हुआ है। एंड देन फाइनेंशियल प्रूफ जो आपने अपलोड किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका ऑक्यूपेशन, सारी चीजें, नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन, इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन, सारे चीजें, सारे इन्फॉर्मेशन इस पेज पे आपको दिखाएगा, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो सारे डिटेल्स वेरीफाई हो जाने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा फीडबैक की, वेयर यू असिस्टेड बाय योर सेल्स एग्जीक्यूटिव। अगर कोई बंदा आपको हेल्प किए हैं तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दीजिए। एंड देन प्रोसीड टू इसाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू इसाइन बटन पे क्लिक करेंगे देन टर्म्स एंड कंडीशन की इस तरह की एक पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा। इन दोनों बॉक्स में टिक करके प्रोसीड टू इसाइन बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी टिक है और अब करना है प्रोसीड टू इसाइन बटन पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे देन टोटल अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे दिखेगा और साइन नाउ बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। साइन नाउ बटन पे क्लिक करना है और जैसे आप साइन नाउ बटन पे क्लिक करेंगे देन NSDL की इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन बॉक्स है यहाँ पे इनको टिक कर लेना है। एंड VID/Aadhaar ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको 12 डिजिट की आधार नंबर डालना है। तो आइए मैं यहाँ पे 12 डिजिट आधार नंबर डाल देता हूँ और ये आपको ध्यान में रखना है आपकी आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेंड OTP बटन पे मैंने क्लिक किया तो जो मोबाइल नंबर मेरे आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है उसमें एक OTP आ जाएगा। देखिए मुझे मिल चुका है OTP, तो मैं OTP डाल देता हूँ और वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करना। तो जैसे ही आप वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली OTP वेरीफाइड और इस पेज दिखाएगा। इस पेज को क्लोज मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। थोड़ा टाइम लग सकता है आपका नेटवर्क इशू के वजह से। और ये देखिए इस तरह की पेज आपको दिखाएगा, ऑन टाइम कन्फर्मेशन इन 24 आवर्स, ठीक है। तो अभी अपना जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है वो आपने सक्सेसफुली फिल आउट कर चुके हैं। अब आपको करना है 24 to 48 working hours तक वेट। फायर स्टीम आपकी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को वेरीफाई करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने सही तरीके से फिल आउट किया है तो सिंपल गाइस 48 वर्किंग आवर्स के अंदर ही आपकी रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। सो गाइस इतना ही इजी है फायर्स में अकाउंट ओपन करना। तो फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा फायर्स में अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आप कुछ और ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में अकाउंट ओपनिंग ट्यूटोरियल वीडियो भी मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा। आफ्टर अकाउंट ओपनिंग आपको इस तरह फायर से मेल आ जाएगा, वेलकम योर अकाउंट हैज बीन ओपन्ड, इस तरह आपको वेलकम मेल आ जाएगा और वहां पे आपको क्लाइंट ID, पासवर्ड और सारे चीजें की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फायर्स की एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है एंड देन लॉगिन करके आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप फर्स्ट टाइम कैसे फायर्स में लॉगिन होकर अपना पहला शेयर खरीद सकते हो उनके लिए भी वीडियो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ रहा हूँ। तो उस वीडियो को देखते हुए आप फायर्स में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।